आज ही हमने दाल तैयार की है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, बहुत आसान तरीके से। ईद के बाद जो है वो इस तरह के खाने जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं और खाने भी चाहिए। तो किस तरह तैयार की है, क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं आपको बताती हूँ, लेकिन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना है, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलिए ये दाल तैयार करते हैं। एक छोटी सी प्याज जो है ना, 4 खाने के चम्मच भर के मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने डाल दी है। प्याज हो गया ब्राउन, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि स्टार्ट लिया है कहाँ से और मैं क्या बना रही हूँ, तो अभी बताती हूँ आपको। कैमरा ऑन करने में थोड़ी सी देर हो गई, जब तक प्याज जो है तो ज़्यादा ब्राउन हो जानी थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। अब लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला है इसमें, और प्याज जो है हमारी ब्राउन हो गई, और बिल्कुल छोटी सी यानी एक टेबल स्पून मैंने प्याज ली होगी बस, जिसको काट के मैंने ब्राउन किया है। और लहसुन अदरक का 1 चम्मच जो है पेस्ट डाल दिया है इसमें, और फ्लेम को जो है वो बिल्कुल लो मैंने किया हुआ है ताकि जल्दी जल्दी बाकी काम हो जाए। तो मैं बना क्या रही हूँ जी, मैं बना रही हूँ माश और मूंग की दाल। आधा आधा कप हैं दोनों, धोकर अच्छे तरीके से, और मैंने इनको भिगोया हुआ है। और यहाँ पर हमारे लहसुन भी हो गए फ्राई। तो 1.5 टमाटर जो है, या 2 छोटे साइज़ के टमाटर जो है ना, मेरे पास बड़ा था तो इसलिए मैंने 1.5 लिया है। पेस्ट बना लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो, कुछ हुए भी नहीं है जल्दी में ना, आज मैं कुछ ज़्यादा जल्दी है। तो पेस्ट डाल दिया है टमाटरों का इसमें, तो अब इसको करेंगे हल्का सा फ्राई। तो अब यहाँ पर जो मसाले मैंने डालने हैं ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। नमक है हसबे जायका, मैंने 1 चाय के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। आधी चाय के चम्मच हल्दी है, 1 चाय के चम्मच मैंने लिया है। लाल मिर्च का पाउडर आप अपनी मर्ज़ी से ले लें। आधी चाय के चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा, और 1 चाय के चम्मच लिया है धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। इसको भूनेंगे हल्का हल्का, ठीक है। मैं बना रही हूँ दाल, तो अभी मज़ीद मसाले शामिल करूँगी जी। यहाँ पर 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स का यानी धड़ा मिर्च का लिया है मैंने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी इसमें शामिल कर दिया, और इसको भूनते रहेंगे मसाले को अच्छा सा, जब तक कि हमारा मसाला तैयार नहीं हो जाता, ठीक है। अच्छा माशाल्लाह मसाला जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा भून गया, देखिए बहुत मुलायम हो गया। तो अब हम इसमें दाल शामिल कर देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको 2 मिनट तकरीबन भून लेते हैं। दाल भूनने से ये होता है कि दाल का दाना जो है ना, वो जल्दी जो है ना दाल में घुलता नहीं है, खड़ा खड़ा रहता है, तो इसलिए दाल को भून लिया जाता है। आज एक नई दाल जो है, नई रेसिपी जो है वो मैं आपको दे रही हूँ, बनाइएगा इंशाल्लाह अच्छी लगेगी बहुत। ईद के दिन है, गोश्त खा कर थक चुके हैं, तो आज सोचा कि बस दाल बनाई जाए, हल्की फुल्की दाल हो और बस हल्का फुल्का सा खाना खाया जाए, तो इसलिए आज दाल बना रहे हैं। बस 1-2 मिनट इसको फ्राई करेंगे। अच्छा जी, तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, दाल को भून लिया है, और आपने देखा कि दाल जो है वो सिकुड़ जाती है जब हम इसको भूनते हैं, जब दाल को भिगोया हुआ हो और हम घी में डालकर या मसाले में उसको जब भूनते हैं, तो आप देखें कि दाल का दाना जो है वो श्रिंक हो जाता है, थोड़ी दाल जो है ना देखें किस शक्ल की बन जाती है, ठीक है। अच्छा जी, दाल हो गई है, अब हम इसमें हसबे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि हमारी दाल जो है वो गल जाए अच्छी सी, ठीक है। मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल करूँगी, क्योंकि मुझे दाल जो है ना वो थोड़ी पतली चाहिए। आप चाहें तो दाल को खड़ा खड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना आज दाल जो है ना वो फरमाइश के मुताबिक जो है ना थोड़ी खड़ी खड़ी बनाऊँगी, पतली बनाऊँगी सॉरी। तो मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल कर जी दाल, मैं दूसरा गिलास भी डाल रही हूँ इसमें, ठीक है। ये देखिए मैंने दूसरा गिलास भी डाल दिया, और अब हम इसको ढक देंगे, और तकरीबन मैं 15 मिनट के बाद इसको चेक करूँगी कि दाल गली है। तकरीबन आधा घंटा लगेगा दाल को गलने में, और फ्लेम जो है ना वो हम मीडियम रखेंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 20 मिनट दाल को पकाया है, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी हमारी दाल गल गई है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया कटा हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। और आधी चाय की चम्मच हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ गर्म मसाला, और बिल्कुल हम 2 मिनट के लिए इसको दोबारा से दबा के रख देंगे। दाल हमारी तैयार हो जाएगी, 2 मिनट हो गए हैं, हम दाल को उठाते हैं ढक्कन को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी दाल बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो कैसी लगी आपको आज की हल्की फुल्की सी रेसिपी,
यकीनन अच्छी लगी होगी, तो फिर जल्दी से आपने दबा देना है बटन को, लाइक वाले को, और कमेंट करके मुझे बताना है आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं और ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।